अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आई हूँ, खजूर और ओट्स की स्मूदी। ओट्स तो आपको वैसे ही पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खजूर भी, तो आइए हम इस मज़ेदार सी स्मूदी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैं ओट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इंस्टेंट ओट्स हैं जो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में बनाते हैं इंस्टेंट। इसको जो है वो ओल्ड फैशन ओट्स भी कहा जाता है, रोल्ड ओट्स भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये मैं 3 चमचे ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसको पानी में सोक कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपको भिगो देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम एक ब्लेंडर जार ले रहे हैं, आप कोई से ब्लेंडर जार ले सकते हैं। जो मैंने ये ओट्स भिगो कर रखे थे इनको मैं डाल दूँगी इसमें जार के अंदर, और पानी के साथ ही डाल दूँगी क्योंकि इसका पानी मैंने मिनरल वाटर ही डाला था इसके अंदर। साफ़ पानी में ही भिगोइएगा इसको, तो भिगोने के बाद ही पानी समेत मैंने इसमें डाल दिया है। और ये तकरीबन मैंने 8 से 10 खजूरें ले ली छोटे साइज़ की मेरे पास, इसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे। अच्छा, खजूरें आपको सॉफ्ट लेनी है, अगर आपकी सॉफ्ट ना हो तो उसको पानी में सोक कर दीजिएगा, लेकिन मैंने सॉफ्ट वाली खजूरें ली थी। इसके अलावा ये तकरीबन 10 से 12 बादाम हैं जिनको मैंने पानी में भिगो दिया था और उसको मैंने इसके छिलके उतार लिए थे। और ये एक बड़े साइज़ का मेरे पास बनाना है, अगर आपके पास छोटे हों तो आप 2 ले लीजिएगा। मेरे पास बड़े साइज़ का बनाना है, मैं 1 इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये आधा एप्पल मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए आधा एप्पल लिया है मैंने, मेरे पास गोल्डन एप्पल था वो मैंने इसमें डाल दिया है, आधा एप्पल भी हम इसमें डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हम तकरीबन मैंने आधा चम्मच शहद डाला है, वैसे तो शहद डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें फ्रूट और सब ये तकरीबन मीठे ही होते हैं। और मैंने 1 पिंच इसमें सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, आपको 1 पिंच सिनेमन पाउडर डालना है। और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि पानी ऑलरेडी मैं ओट्स के साथ डाल चुकी थी। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, तो ये हमारी मज़ेदार सी स्मूदी बन जाएगी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो खाली इन तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो व्यूवर्स, हमारी स्मूदी रेडी हो गई, इसको हम ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम चॉप्ड आलमंड और 1 पिंच इसमें सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए सहरी में और पूरे दिन आप एनर्जी फील करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी स्मूदी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी, जब तक के लिए अल्लाह ने के पास।